बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं अनारी चटनी। ये आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ठोकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप इसको फिश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारी चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। चटनी के लिए मैंने लिया है 3 अदरक मिर्ची ली है मैंने, ठीक है, 1 टेबल स्पून धनिया लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया मैंने, ये देखना आप। तो इसके साथ हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, 1 टीस्पून अनारदाना, इसका आपने पाउडर बनाना है, ठीक है। चटनी इसको पीस के फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। पीस लिए हैं, ये देखें, अच्छी तरह आपने पिसाई करनी है, इसे पीसना अच्छी तरह, धनिया मिर्चें और पुदीना को, ठीक है। तो उसके बाद 1 टीस्पून आपने डालना है ये अनारदाना, ये मैंने पीस लिया अच्छी तरह, आपने अच्छी तरह पीसना है। ये मिक्स कर दिया है, अब 100 ग्राम दही, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी क्वान्टिटी कर सकते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो इसको क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा कर देनी है आपने पेस्ट की। अब इसमें दही शामिल कर दिए मैंने, इसमें इसको बीट करना है, या आप चटनी खाएंगे आप ये सारी जिंदगी दवाएं देंगे। डालना है 8 टीस्पून डालना है हमने सॉल्ट, नमक पिसा हुआ, ठीक है, इसको भी डाल के फिर दोबारा इसको बीट करना है, ठीक है। ये बारी बारी दाल चटनी से तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको फिश के साथ सर्व करेंगे। इसी के साथ दीजिए रहमान, तो ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।